अगर कोई व्यक्ति मुझे बता रहा है और आप ये सवाल उठा रहा है और सुप्रीम अगर ये जगह जगह पर अगर सुप्रीम जी जी देखिए अरविंद जी, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस कर रहा है तो इस पर आप क्या बताइए, क्या कहें? यूपी गवर्नमेंट को नोटिस किया है ना फेक इनकाउंटर पे, अगर अगर ये सवाल आ रहा है तो जी बताइए। अगर कोई अगर ये सवाल है तो हम उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं, बताइए। अगर ये बताइए कि अगर मैं आप ये बताइए कि अगर FIR को आप जो है आपको जो अगर मुकदमा लिखना है या जो भी, मैं तो इसके लिए आप हैं, लेकिन मैं जो कर जी बताइए। चलिए मैं तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिशा निर्देश दिया है, मैंने उसके ऊपर मैंने इस बात को रिपोर्ट लिखा जी। आप ये आप ये आपका नहीं आप जो है आप ये आपको नहीं आपको जो करना है वो आप भाई, अगर अगर ये तमाम इनकाउंटरों में सवाल उठा है तो ये बात तो है उसमें ना। नहीं ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में ये बात आज कह रहा है ना। भाई सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को कहा है ना, आप ही लोगों से जब आप गवर्नमेंट आपको मिलता हूँ और या तो आप आ जाइएगा नहीं तो मैं आ जाऊंगा। अब ये जिससे आपने प्रमाणित कर दिया है अरविंद यादव ने पकड़ के लोगों को मारा है, आप अगर विक्टिम कोई कह रहा है उसकी बात हमने कहा है और विक्टिम को ले आना और जो विक्टिम का साथ है वो ले आना। भाई वो तो हत्यारा घोषित कर दिया तो कितने बड़े पत्रकार हो तो हमें दिए नहीं पता चला है। भाई देखिए NHRC ने अगर जाँच चल रही है कि नहीं आप क्या बताइए, आजमगढ़ में तमाम मामलों में NHRC जाँच कर रही है। एक बात बता दूं जी, पत्रकारिता करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नाम लेके और प्रबल छापती है ना तो बस ठीक कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। मजान भाव तुम पेश कर रहे हो, हम क्या और सुनो जी, कल मैं मुकदमा लिखूंगा इस बात का। क्या लिखेंगे बताइए, उसके मेरे नाम को खराब कर रहे हो और मेरी जो छवि है उसे खराब कर रहे हो। जो मुझे फैक्ट मिला है उसके आधार पे मैंने कहा है और सुप्रीम कोर्ट और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कल परसों बोला है उसके आधार पे मैंने वो डिटेल मैंने जारी किया है कि ये देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि यूपी लखनऊ में है, लाटू रोड पर है, लखनऊ जो है जी 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 ये तो जांच चल रही है ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा ना, मैं कैसे नहीं, ये अरविंद जी इन्वेस्टिगेशन बताएगा ना। हेलो अगर ये तो हम तो जांच की बात कर रहे हैं, लगातार जांच की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं PUCL वहां से भी इसकी जांच के लिए बात हो रही है। हत्या के लिए प्रसिद्ध है और पकड़ के हत्याएं करते हैं इसीलिए रखा गया है, ये तुम ही छापे हो ना? अगर ये सवाल उठ रहा है तो है ना ये सवाल, बस मैंने इतना कहा है। इसके अलावा सवाल के अलावा देखिए, मैं सवाल के अलावा मैं कोई वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए, बात खत्म। पत्रकार हो गए हो, हम एक भी पेपर नहीं बनता है, एक भी एडिटर नहीं है,
ये बताइए कि जगह जगह पर आया है आप तो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ आप आप मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को आप दे दीजिए, अगर मैं वो तो मांग रहा है ना, नहीं तमाम तो यूपी गवर्नमेंट पूछ रहा है ना कि ये जो मुठभेड़ के नाम पे हत्या हुई इसका क्या मामला है। हेलो, अगर ये नाम वहाँ पर ही उठा है ना, जगह जगह जो लोग इनकाउंटर में हुए तमाम जगहों पर सवाल उठा जी बताइए। वो आपको जो आप कर सकते हैं वो मैं उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। और ये तुम्हारा ये जो चला रहे हो ये प्रमाणित है, रजिस्ट्रेशन है इसका? रिहाई में लगातार 12 साल है, तमाम सवालों को उठाता रहा है और तमाम हाँ हमारे तमाम सवालों पे हमने मुकदमे तमाम बताइए। रिहाई मंच आप लखनऊ में उसका ऑफिस है, मोहम्मद सोएब उसके अध्यक्ष हैं, आप बात कर सकते हैं उनसे चाहे तो। नहीं मोहम्मद सोएब उसके अध्यक्ष हैं। ये जो आपका करना है वो आप हम किसी का देखिए, हमारी किसी से व्यक्तिगत सवाल नहीं है ना, हमने कोई व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। हम अगर कोई घटना हो रही घटना के ऊपर क्या कर रहे हैं, अगर कोई घटना में अगर आपका नाम अगर उस किसी में रहेगा और कोई मुझे बताएगा तो मैंने क्या लिखा है। अब वहाँ के SSP का सवाल आया, तमाम लोग का आया, तो मैं सब पे नहीं आप जो है आप तो ये लूज टाक कर रहे हैं। देखिए हमको जो बताया गया मैं उसके आधार पे बात किया हूँ। देखिए ये सब जांच का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसके आधार पे मैंने बोला है ना। अरे भाई कोई सवाल है, अगर हम यही कह रहे हैं कि अरविंद जी की ये सवाल को उठना चाहिए, जांच होनी चाहिए, इसीलिए रखे गए हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें अरविंद यादव के लिए रखे गए हैं। ये आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ ये सब बातें। आप मैंने जो भी कहा है लोगों के कहा जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनके कहने पे मैंने कहा है। लोग कहते हैं कि रंडी है तो क्या सभी लोग उसे रंडी मान के बाजार में चलना मुश्किल कर देंगे? नहीं हम क्यों कहेंगे ऐसा। ये जो छापे हो क्या किस लिए छापे हो, किससे पूछ के छापे हो, क्या प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास की अरविंद यादव उठा के, जिसे पूरी प्रदेश की पुलिस SDF तक खोज रही है, वो मारा जा रहा है और तुम कह रहे हो अरविंद यादव उठा गोली मार दे रहे हैं? अच्छा ये बताइए आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, ये कह दे कि तुम्हारे राजीव यादव होश में रहना तुम, और अगर फिर नाम छप गया तुम्हारे लिए मंच से तो तुम अपने लिए खैर मत समझना, ये समझ लो। अब आप कह रहे हैं मैं आप कह सकते हैं, मैं इस पे क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं सकता हूँ जी, मैं तुम पे मुकदमा लिखूंगा कल अगर प्रमाण नहीं दिए 6 बजे तक। आप कहिए मैं अपने रिहाई मंच के रजिस्ट्रेशन का वो भी ले आना। मैं आप कह सकते हैं खराब कर रहे हो, तुम्हारा चलना मुश्किल कर दियो, जीना मुश्किल की हो। मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है। अब जो पूछता है वो सब कहता है कि साहब आप तो गोली मार देते हो। देखिए मेरे सामने जो सवाल आए मैं उस सवालों पे बात रखा हूँ जी। मैंने जो सवाल थे मैंने उन सवालों पे बोला अरविंद जी, और मेरा तो मैं ये कह
अब ये तो आप जो भी कह दे सकें ये तो लूज टॉक हो जाता है पूरा, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। हाँ नहीं देखिए, जब कोई सवाल आता है, जब फेक इनकाउंटर हुए तो इसके बाद ही तो सवाल आया है, तमाम सवालों पे आया है। आज तो हाई कोर्ट नोटिस कर दे रहा है योगी जी को, और सुप्रीम कोर्ट तो अब कल की डेट में योगी जी कहें कि हमारा नाम आए तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। रिकॉर्ड हुआ है, हुआ होगा कुछ, क्या करूँ, ऐसा हुआ, कुछ नहीं।